हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, मुझे पता है कि आप कैसे हैं। बहुत ज़्यादा आपको हैवी एनर्जी फील हो रही है, बल्कि आज ही नहीं कल से ही बहुत ज़्यादा आप लोगों को हैवी एनर्जी फील हो रही है। बट मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा यू टर्न, एक पॉइंट ऑफ टर्निंग ड्यू टू कॉस्मिक शिफ्ट्स आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसको आप रियलाइज करोगे नियर अबाउट 24th March। ठीक है, तो इस वक्त कुछ ऐसी हैवी एनर्जी है कि जैसे आपको मन कर रहा है कि मैं इस जर्नी को अब छोड़ देती हूँ, आई थिंक आई एम नॉट मेंट फॉर दिस जर्नी एंड लेट मी मूव ऑन। ठीक है, या आप ये सोच रहे हो कि मैं इस जर्नी में रेडी हूँ या नहीं, लाइक द सेम ओवर थिंकिंग, सेम दैट नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी का एक साइकिक अटैक्स मैं कह सकती हूँ। यस, आप में से बहुत लोगों को कलेक्टिव में साइकिक अटैक हुआ है, जिसके कारण से आप खुद को ही क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं इस जर्नी में हूँ कि नहीं, और वो पर्सन आपका ट्विन है कि नहीं। और जैसे ही आप नेगेटिव सोचते हो, आप बिल्कुल डाउन हो जा रहे हो, आप रो रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत हैवी एनर्जी को रियलाइज फील कर रहे हो, कुछ आप स्टेप अप कर सकते नहीं हो क्योंकि हमने मना किया है कि यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट, और आप अपने पर्सन से अटैवी कोई कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो एक प्रकार से लाइक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी है। अच्छा, इसमें एक एनर्जी ये भी है कि दोनों ही तरफ आग बराबर की है। ठीक है, और जब आग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो गर्मी लगती ही है। ठीक है, एनर्जी हैवी हो ही जाती है। तो एक तरफ तो ये है कि बिकॉज यू हैव द साइकिक अटैक्स, ठीक है, तो आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, ट्रस्ट इशू, ये जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, सब चीज़ें आपको हो रही हैं, हैवी लग रहा है। दूसरी तरफ वहाँ भी गर्मी बढ़ी हुई है, मिसिंग की भी एनर्जी है, वो भी स्टॉक कर रहे हैं, वो भी आप चाह रहा है कि आप फर्स्ट मूव लीजिए। ठीक है, तो दोनों तरफ ही इतनी तनातनी लगी बढ़ी हुई है कि हैवी एनर्जी आप लोगों को फील हो रही है, जहाँ इस वक्त बातें सिर्फ एनर्जी से ही हो रही है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग हैवी एनर्जी मैं कह सकती हूँ कि हैवी एनर्जी आपको लग रही है। बहुत सारा पर्चिंग भी हो रही है, कल नाइट में लगभग 8 से 10 के बीच में आपको हैवी पर्चिंग हुई थी, दिन में भी आपको, मॉर्निंग में भी हैवी पर्चिंग हुई थी, देन दिन में भी काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस थी, बिल्कुल जस्ट लाइक अनबेरेबल। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। तो ये तो आपकी जो एनर्जी है, प्लीज़ ऑरा क्लेंजिंग करिए, मेडिटेशन करिए, ओम चैंटिंग करिए। ठीक है, अपना को किसी भी प्रकार से अपनी एनर्जी को ऊपर लेके आइए, क्योंकि ये सारी जो लो वाइब्रेशन एनर्जीज हैं, ये आपके जैसे आप अपर चक्रा से ऑपरेट करोगे, ओम चैंटिंग करोगे, सब आराम से सब रिलीज़ हो जाती है, कोई टेंशन की बात नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये आप कर सकते हो, लेकिन आपके पर्सन के साथ जो भी है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो बेटर है कि ये टाइम जितना स्ट्रगलिंग आपके लिए गुजर चल रहा है, बिकॉज उनकी असेंशन हो रही है, उनको स्टेप अप लेना है, लेकिन वो आपके फर्स्ट मूव का वेट कर रहे हैं। दिक्कत ये भी तो है ना कि उनको स्टेप लेना है लेकिन वो आपके फर्स्ट मूव की वेट कर रहे हैं, और एक कॉस्मिक शिफ्ट्स भी जो है अभी, ठीक है, बहुत सारे टर्निंग्स आपकी लाइफ में अभी होने वाले हैं, सभी की कलेक्टिव में बहुत सारी आपकी लाइफ में टर्निंग्स होने वाले हैं, बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारे न्यू चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो जब चेंजेस आने को होते हैं, उसके पहले की कुछ एनर्जी ऐसी ही होती है। ठीक है, सो दोस्तों ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है, और अपने आप को बस खुश रखिए। खुश रहना ही इज द अल्टीमेट की, ट्रस्ट करिए। ऐसा लगता है हम ट्विन जर्नी में नहीं है, इट्स ओके, नहीं है, हम स्पिरिचुअल जर्नी में तो है। वैसे भी ट्विन का रोल तो बिल्कुल एंड में ही है, बीच में तो कोई काम ही नहीं है महाशय का। ठीक है, उनका रोल तो आखिरी में ही आता है,
ठीक है, वो अपने किरदार में आखिरी में आ जाएंगे, आप स्पिरिचुअल जर्नी समझ के चल लीजिए, तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, तब तो स्पिरिचुअल जर्नी में है तो है, इनर वर्क करना है तो करना है ना। नेगेटिविटी आएगी, शिफ्ट्स आएंगे, पोर्टल की एनर्जीज आपको आपके अंदर आएंगी, सब चीज़ें होंगी, सब वैसे का वैसे ही होना है ना। बाकी जब आपका जर्नी पूरा हो जाएगा, अब जर्नी कब पूरा होता है, व्हेन द थिंग्स यू स्टार्ट फीलिंग, अब आपको अंदर वो रिएक्ट नहीं कर रही है, अब किसी भी टॉक्सिन से, किसी भी ट्रिगर से आप रिएक्ट करना बंद हो गए हो, बस आपकी जर्नी पूरी हो गई है, तो वो महाशय अपने आप सामने अपनी एंट्री मार लेंगे। ठीक है, तो ये जब ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है ना, बहुत सारा ना लाइक हम लोग को ना मस्ती करने लगना चाहिए, मजाक, जस्ट दैट वो जो जो चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, आपको डाउन कर रही है, सैड कर रही है, उसके अगेंस्ट, ठीक है, आप लोगों को बस नहीं ठीक है, बिल्कुल भी सैड मत होइए दोस्तों। हाँ, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।